आज हम बताएंगे आप सभी को फिनिशिंग होता है। आज हम आप सभी को बताएंगे जेटअप गियर 6 स्पीड डिसमेंटल कैसे होता है। तो पहले आगे का जो है हाउसिंग को हम लोगों ने निकाल लिया है, इस होल के मदद से यहाँ पे लगा रहता है लॉक नट जो यहाँ पड़ा हुआ है, देखिए यही पेचकस की मदद से इसको भी निकाल लेंगे। ये होगा फ्री। अब इसके सॉकेट लगा के इसको खोलेंगे। पहले ये सेंसर सब हटा लेंगे, स्पीड सेंसर है, रिवर्स सेंसर है, दोनों को पहले बाहर। इसके बाद ये इसको चापा इसको भी हटाएंगे। सब कवर को हटाएंगे, ये 16 नंबर का बोल्ट जो है सबको खोल के इसको बाहर करेंगे। यहाँ पे लगा रहता है डस्ट जिसमें गोटी लगाने में दिक्कत होता है, इसका सफाई चल रहा है। सब साइड का बोल्ट खोल लेंगे। तीन बोल्ट ऊपर रहते हैं, उनको भी ओपन कर लेंगे। इसको फ्लैंक शोल्डर से लॉक करके 50 नंबर का सॉकेट लगाएंगे इसमें, इसको ओपन करेंगे। इसको 50 नंबर के सॉकेट लगा देंगे हैवी हैंडल के साथ। इसको रट से दबा के खोलेंगे, इसका टॉर्क ज़्यादा रहता है, ज़्यादा टाइट रहता है। हो गया खुल के बाहर नॉट, ये हो गया फ्लेंच बाहर। साइड का तीनों बोल्ट ऊपर खोलने के बाद इसको पलटी मारेंगे, फिर उस साइड भी 3 बोल्ट होगा उसको भी खोलेंगे। क्या रिवर्स के साइड भी 3 बोल्ट है, इसको ओपन करेंगे। रिवर्स गियर का ये प्लेट है, इसको ओपन करने के बाद रिवर्स गियर निकालेंगे। हम निकलेगा रिवर्स गियर का प्लेट खुल रहा है, रिवर्स गियर रिवर्स आइडल गियर निकलेगा यहीं से 13 नंबर का बोल्ट पूरा खोलने के बाद। प्लेट ओपन हो गया, मेरा रिवर्स गियर इसका लॉक रहता है यहाँ पे, इसको भी बाहर करेंगे। पिन लगा रहता है, लॉक रहता है, इस नट को खोलेंगे, पिन को बाहर करेंगे। इसको पिन को बाहर करेंगे, पिन बाहर हो गया, पिन भी निकल गया, रिवर्स गियर निकल गया। रिवर्स गियर ठीक है, पिन ठोक जाता है, देखो नीचे की तरफ पिन करने पर ये बाहर आएगा। हो गया ओपन, अब इसको पूरा पलटी मार देंगे, पूरा जाएगा बाहर। दूसरा भाग जो निकला है ये रहा फ्रंट का, यही था।
हो गया पूरा डिसमेंटल, पूरा हो गया ये बाहर हाउसिंग खाली, ये हाउसिंग है, हो गया ये बाहर। चलिए फिर मिलेंगे दूसरे बच्चे में।